हाय एवरीवन, भीबीयू यूजी सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री जी का ये क्वेश्चन है। चूंकि ये भीबीयू की ट्रेंडिंग रहता है कि हर समय एक ही क्वेश्चन ये पूछता है, मतलब कि ईयर बाय ईयर या फिर अल्टरनेट ईयर में इस क्वेश्चन से हमारा पूछता है, तो ये इसका ट्रेंडिंग है भीबीयू का क्वेश्चन पूछने का, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको ओल्ड सेशन था उसमें भी सेम क्वेश्चन ट्रेंडिंग था, और न्यू जो इसका आपका क्राइटेरिया हो गया है 4 साल का ग्रेजुएशन, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या क्या है सेमेस्टर 1 के लिए। तो एक तो आपका ये है, ये एमसीक्यू के इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन हमारी ये, प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड इन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ पॉ प्रिंसिपल, ह्यून्स प्रिंसिपल और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ज्यादा चांसेस इसका आंसर ह्यून्स प्रिंसिपल ये। अगला हम देखते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर एनी ऑर्बिटल इन इक्वल टू एन एन माइनस एल एन माइनस वन एन माइनस एल माइनस वन। तो इसका आंसर ये हो सकता है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन सी देखते हैं, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe++ आयन इज 3, 4, 5 और 2। तो इसका आंसर है आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NH3CO2, SO2, NaCl। इसका आंसर होगा NH3। देखिए इस प्रकार से ये जो है ये हमेशा पूछते रहेगा, क्योंकि इसका ट्रेंडिंग होता है भीबीयू का कि साल दर साल, एक साल छोड़कर या 2 साल में इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछते ही रहता है। सेम क्वेश्चन पैटर्न देखेगा, सेम क्वेश्चन मतलब कि रिपीटेड रहेगा, और आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं इसमें केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, क्योंकि इसका ट्रेंडिंग ही रहता है। ये सब आगे वाले क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ए नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये देख लेते हैं, ये द ज्योमेट्री ऑफ IBNCl4 स्पीसीज टेट्राहेड्रल सीसाओ स्क्वायर पिरामिडल और पिरामिडल। इसका आंसर होगा ये 4 पिरामिडल। विच इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, Cn- NH3 BF3 H2O। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी जी नंबर, नो बॉन्ड रिजोनेंस इज, ऑप्शन दिया हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, स्टेरिक इफेक्ट। एच नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेशन इज मोस्ट स्टेबल। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, इसमें पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा कार्बोनेशन ज्यादा स्टेबल है, CH3CH2 plus CH3CH2 to the whole bracket 3 C plus CH3CH2 to the whole bracket 2 CH plus। 4 नंबर दिया है CH3CH2CH+। तो आई नंबर देख लेते हैं, और रिएक्शन बिलो यूजिंग ब्रोमो इथेन गिब्स, ये इसका ऑप्शन है 2 ब्रोमो ब्यूटेन एंड ब्यूटेन एसोब्यूटेन, नन ऑफ दिस। आई जे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिब्स, जब हाइड्रोलिसिस पर होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो उसमें क्या मिलता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या नन ऑफ दिस। देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें से कि काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ये जो देखे आप लोग डी ब्रोगली ऑफ फॉर प्रिंसिपल बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल, तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इसका, मैंने हर साल अल्टरनेट में या फिर एक साल नहीं पूछा दूसरे साल नहीं पूछा तीसरे साल जरूर पूछेगा, या फिर एक साल छोड़कर दूसरे साल में ये जरूर पूछता है ये। तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है हमेशा, ये पैटर्न में यही रहेगा उसका भीबीयू का, तो यानी कि इसमें रटा रटा ये क्वेश्चन भीबीयू का, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो आप लोग ज्यादा इसमें फिक्र करने की बात नहीं है, 2024 में जो दे रहे हैं एग्जाम केमिस्ट्री जीई का, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार आप देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के प्रीवियस ईयर का ये सब क्वेश्चन रहेगा, कुछ कुछ चेंज हो सकते हैं। तो पहले नंबर बोल रहा है 2 का
ए डिस्कस डी ब्रोगली थ्योरम फॉर वेव माइक्रोवेव डिराइव्ड डी ब्रोगली इक्वेशन, मतलब कि डी ब्रोगली थ्योरी को इसमें लिखना है और साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी निकालना है डी ब्रोगली इक्वेशन का। 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसका बी नंबर में पूछ रहा है कि डिस्कस ऑफ वो प्रिंसिपल, व्हाट आर इट्स वेरियस लिमिटेशन। ऑफ वो प्रिंसिपल का बारे में डिस्कस करना है यानी डिफाइन भी करना है। आपको वहां पर अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए, इस प्रकार से इसका लिमिटेशन क्या है उसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहे हैं हमें, क्वेश्चन व्हाट इज बोर्न हैवर सर्कल, हाउ कैन वी ऑब्टेन लैटिस एनर्जी ऑफ ए सॉलिड विथ इट्स हेल्प। बोर्न हैवर सर्कल के बारे में पूछ रहा है, तो और कैसे लैटिस एनर्जी को ऑप्टेन कर सकता है एक सॉलिड से, इसका हेल्प का सहायता से, किसका बॉन्ड हैवर सर्कल का सहायता से। क्या हो गया आपका, अब हो गया आपका स्टेट फैजेंस रूल। फैजेंस रूल ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, रट लीजिएगा दिमाग में। स्टेट फैजेंस रूल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस रूल व्हिच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कोवेलेंट। ये हो गया, एक हो गया आपका VSPR। ये तो आपका VVI क्वेश्चन है, VVI ये क्वेश्चन हमेशा इसका रटा रटा है, हमेशा मतलब कि ट्रेंडिंग में रहता है, हर बार ये पूछता है VSEPR। इसे आप VVI में टिक कर लीजिएगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं VSEPR थ्योरी क्या है इसे डिफाइन करना, उसके बाद VSEPR थ्योरी को डिस्कस करके जो आपको ये दिया हुआ है ICL3 NH3 SF4 PCl5 SNCl2, तो ये जो हमेशा यही चीज क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा और सेम क्वेश्चन ही रहेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में VVI पूछा लिखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये पूछ रहा है व्हाट आर कार्बोनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो मैंने ये जो बताया आप लोग को फैजेंस रूल ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब टिक कर लिया आप लोग, VVI कर लिएगा इसे भी, फैजेंस रूल को, बॉन्ड सेवर साइकिल, ये भी काफी VVI है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कार्बोनेशन की ओर पूछा है व्हाट आर कार्बोनेशन, हाउ आर दे क्लासिफाइड, कार्बोनेशन क्या है इसे कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो इसमें क्या करिए, पहले कार्बोनेशन को डिफाइन कर लीजिएगा, उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखिएगा अलग अलग, ठीक। उसके बी में दिया हुआ कार्बोनेशन का फॉर्मेशन को इसके डिस्कस करना है या एक्सप्लेन भी, जैसे वहां पर अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन तैयार रहेगा, कहीं किसी में डिस्कस लिखा रहेगा, किसी में एक्सप्लेन लिखा होगा, किसी में डिफाइन लिखा होगा, ठीक है। और उसका स्टेबिलिटी जो होता है कार्बोनेशन का लिखा है, तो उसमें क्या करना है, फॉर्मेशन अब वहां पर लिखा रहेगा या फिर प्रिपरेशन, एक ही चीज होता है, तो प्रिपरेशन प्लस ये है रिएक्शन इसका लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म, राइट द लिमिटेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म। ये जो है ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म है और पूछ रहा है, तो राइट करना है लिमिटेशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म का क्या है ये पूछ रहा है, और ज्योमेट्रिकल एसोमेरिज्म का लिमिटेशंस क्या है ये पूछ रहा है, दो क्वेश्चन है इसके में, 10 नंबर है। और उसके बाद फिर लिखना है इसका इनेंसियोमीटर्स का प्रॉपर्टीज लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो है कोई 3 क्वेश्चन हमें बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स लिखना है उसमें दिया, जैसे कि आपका एक है मार्कोनोस्की रूल, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुलेशन, डीमर्कुरेशन और हाइपर कंजुगेशन। ये हो गया 4 क्वेश्चन, इसमें से हमें केवल 3 ही बनाना है, तो ज्यादा चांसेस ये मर्कोनिक्स ऑफ रूल ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसमें हमेशा पूछ लेता है ये सब, ये देखिएगा इसमें जो है कोई आए, चारों में से कोई आए ना आए, लेकिन हर बार का ट्रेंडिंग रहता है ये आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसे पक्का रट लीजिएगा, ठीक है। ट्रेंडिंग है इसका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली भी काफी इंपॉर्टेंट है जो बताया था मैं, उसके बाद स्टर्जेनफ रूल्स, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन, वुड्स रिएक्शन,
ये सब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन है, हाँ एक तो ये क्वेश्चन है डी ब्रोगली थ्योरी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम ये भी हमेशा से पूछते रहता है, इसलिए मैं इसे भी लिखा हूं डी ब्रोगली थ्योरी में। लेकिन डी ब्रोगली थ्योरी जो है इसका क्या करना है, इसमें एक इज इक्वल टू एच म्यू ये देना प्लैंक्स कांस्टेंट वाला, सेकंड में लिखना है आइंस्टीन का जो है एनर्जी वाला इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एम इक्वल टू मास फोटोन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे में बता दियो कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं ये सभी काफी भी आई है, बॉर्न हैवर साइकिल भी इसे टिक कर लीजिएगा। उसके बाद फैजेंस रूल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैजेंस रूल भी हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेकर ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसको भी आवश्यकता हो सकती है। बी एस पी आर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये बी एस पी आर थ्योरी, इसलिए इसमें मैं भी वीवीआई लगाया हूँ, टिक कर लिएगा आप लोग और बी एस पी आर का थ्योरी यूज करके ये सब निकालना हमें। जैसे ये आपका हो गया आई सी एल थ्री, एन एस थ्री, एस एफ फोर, पी सी एल फाइव, एस एन सी एल टू। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपना प्रमोट कर रहा हूँ खुद को, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा और एक कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।